हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो अगेन एक मीशो हॉल होने वाला है और मैंने मीशो से एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट परचेस किया है। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और पता चल गया होगा कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। सो यस, मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र परचेस किया है और कुछ इस तरह के बॉक्स में ये मुझे पैक होके मिला है। अभी मैंने पैकिंग ओपन नहीं की है, आपके सामने ही मैं इसे अनबॉक्स करने वाली हूँ और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं बहुत टाइम से खुद के लिए ये परचेस करने का सोच रही थी, बट आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। सो फाइनली मैंने इसको परचेस कर लिया है और आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें आप कितना सामान स्टोर करके रख सकते हो। वैसे तो इसे मैंने मेरे बेबी के रूम के लिए परचेस किया है ताकि इसमें मैं उसके सारे टॉयज़ वगैरह और बुक्स वगैरह भर के रख सकूँ, बट आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने मेकअप बॉक्स जैसे भी इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से जो भी आप इसका यूज़ करना चाहते हो। काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये मुझे लग रहा है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी इसकी हाइट होने वाली है। और चलो आप बाकी ओपन करते हैं और फिर देखते हैं और फिर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि ये है कैसा एक्चुअली में। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो इसकी पैकेजिंग मुझे कुछ इस तरह से मिली है, ये आप देख सकते हो इस तरह का पैक होके मिला है। चलो अब इसे ओपन कर लेते हैं पूरा। सो कुछ पार्ट्स इसके इस तरह से मिले हैं पैक होके। एंड बाकी पार्ट्स कुछ इस तरह से मिले हैं। सो मैंने ना ये कलरफुल वाला बुलाया है क्योंकि मैंने इसे मेरे बेबी के रूम के लिए बुलाया है, तो किड्स के लिए थोड़ा कलरफुल होता है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके रूम में। तो चलो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। साइज़ कुछ इतना बड़ा मिलेगा ये आपको, मैं इसमें सामान रख के दिखाऊंगी ना कुछ, तब आपको इसका ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है, कितना बड़ा है साइज़ इसका। बाकी पार्ट्स इसके कुछ इस तरह के मिले हैं, ये देखिए, ये इसका सबसे नीचे लगने वाला पार्ट है। ये मैं पूरा आपको असेंबल करके दिखा रही हूँ और पूरी इसकी क्लिप लगा दे रही हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आप इसमें क्या क्या सामान रख सकते हो, कैसे आपको असेंबल करना है और कैसा कुछ दिखेगा ये पूरा बनने के बाद। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बता देती हूँ। तो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आप नहीं कह सकते, क्वालिटी इसकी ओके है, बट हाँ ये है कि टूटेगा फूटेगा नहीं, गिर भी जाएगा ना तो टूटेगा नहीं, इस तरह का है। प्लास्टिक अच्छी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है इसकी प्लास्टिक, और बहुत ज़्यादा अच्छी है यदि आप सोच रहे हो तो, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ये, आप देख सकते हो इस तरह से ये दब भी जाता है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की प्लास्टिक होगी। एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है ना जब हम किसी चीज़ को इस तरह से टच करके देखते हैं या फिर इस तरह से आप देख रहे हो वीडियो में, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की प्लास्टिक है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की भी प्लास्टिक नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की भी नहीं है प्लास्टिक। इसका जो प्राइस है वो 750 रुपीज़ समथिंग में मुझे ये मिला है मीशो से, बट ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन सभी जगह पे मिल जाएगा। मैं सभी के लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको जहाँ से भी परचेस करना हो, जहाँ पे भी आपको कम प्राइस में मिले, आप वहाँ से परचेस कर लेना। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है 750 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप कंसिडर कर सकते हो यदि आप परचेस करना चाहते हो तो। वैसे तो ये किड्स रूम के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि आप चाहो तो किचन में रख सकते हो, आप किचन में बहुत सारा सामान रहता है जो हमें रखना होता है, तो आप वहाँ पर भी रख सकते हो, या फिर आप इसे बेड साइड वाली जगह पे भी रख सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारा सामान हो जाता है बेडरूम में, तो आप बहुत काफ़ी सारा सामान इसमें स्टोर करके रख सकते हो। बट जैसा मैंने सोचा था ना कि मैं अवियान के बहुत सारे टॉयज़ इसमें रख दूँगी, आई डोंट थिंक कि बड़े टॉयज़ इसके अंदर आने वाले हैं। छोटे छोटे टॉयज़ आ जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ इसमें आ जाएंगे, काफ़ी सारी बुक्स वगैरह आ जाएंगी इसमें रखने में, बट जो बड़े टॉयज़ हैं ना, इतने से बड़े मैं कैसे बताऊँ, अभी जब मैं रख के दिखाऊंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो ज़्यादा बड़े टॉयज़ इसके अंदर नहीं आने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से परचेस करना। सो बाकी ओवरऑल क्वालिटी वगैरह तो इसकी अच्छी लगी मुझे, 750 के हिसाब से जैसी क्वालिटी होना चाहिए ना उतनी है इसकी, तो आप उसके हिसाब से इसको परचेस कर सकते हो। बाकी यदि आप सोच रहे हो कि 750 में बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला, तो ऐसा नहीं है, ये इसकी क्वालिटी नॉर्मल है, बट हाँ ये जो इसके स्टैंड्स वगैरह है ना, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टूटेगा फूटेगा नहीं, ये इसकी तो गारंटी है।
है, बट ये भी देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। बट हाँ, एक जगह आप रख दोगे, इसमें काफ़ी सारा सामान, हैवी सामान भी रख दोगे ना तो भी टूटेगा फूटेगा नहीं। सो इसके हिसाब से क्वालिटी अच्छी है। सो यदि आप परचेज करना चाहो तो आप कर सकते हो। कलरफुल यदि आप लेना चाहो तो कलरफुल वाला तो इसमें अवेलेबल है ही, और सिंगल कलर वाले भी अवेलेबल है, 3 ड्रॉल वाले भी अवेलेबल हैं, 1 या 2 ड्रॉल वाले भी हैं, तो उस तरह का भी आपको मिल जाएगा। सभी के लिंक्स और कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। उसमें भी आपको बहुत अमेजिंग प्राइज मिलने वाले हैं। टोटल 5 गिव अवेज मैं लेकर आने वाली हूँ, तो गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।